सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक? अच्छे हो ना? ओके दोस्तों, सो आज हम डिस्कस करेंगे नेपोटिज्म के बारे में। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेपोटिज्म किस चिड़िया का नाम है, बिकॉज मे बी पॉसिबल कि कुछ लोगों को शायद ना पता हो कि ये नेपोटिज्म क्या है। इनफैक्ट मुझे भी कुछ टाइम पहले पता नहीं था। खैर, व्हाट इज नेपोटिज्म? नेपोटिज्म का हिंदी में मतलब होता है भाई भतीजा बात। ओ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, तो सिंपल सरल शब्दों में कहूँ तो नेपोटिज्म को आप भेदभाव समझ लो। तो बॉलीवुड में एक्टर्स एंड एक्ट्रेस भरे पड़े हैं कचरे की तरह। सो जो एक्टर सेलिब्रिटी पहले से फेमस हैं या जो पहले काम कर चुके हैं बॉलीवुड में, वो भी इंसान है ना यार, उनके भी बच्चे होंगे। सो यहाँ पर काम करता है नेपोटिज्म। कैसे, बताता हूँ। तो अगर किसी सेलिब्रिटी का बच्चा विश करता है या फिर वो चाहता है कि वो बड़ा होकर हीरो बने, तो उसके लिए ये चांस पाना इजी हो जाता है कुछ लोगों के कारण। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत बात है। आप खुद सोच के देखो कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो तो आप पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? अपने घर वालों को। सो ये कोई गलत बात नहीं है, बट इसकी वजह से होता ये है कि बहुत से लोग जो एक्टर या फिर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं बॉलीवुड की मूवी में, वो लोग रह जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो बॉलीवुड नाम की एक बस है जिसमें कुछ लिमिटेड सीटें हैं, तो होता यह है कि कुछ सीटें पहले से ही रिजर्व हो जाती हैं, जिसके कारण कुछ लोग रह जाते हैं। अब आप बोलोगे ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, विच इज टोटली एक्सेप्टेबल। लेकिन इसकी वजह से हम कुछ एक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते जो काफी टैलेंटेड एंड इंटरटेनिंग है, एंड प्लस उनके बॉलीवुड में कुछ कॉन्टेक्स्ट भी है। एंड अगर टैलेंटेड एक्टर्स की बात हो ही रही है, तो अभिमन्यु दसानी इस बंदे को भी ऐड कर ही दो। एंड जिन लोगों को नहीं पता कि ये कौन है, तो बता देता हूँ कि ये एक्ट्रेस भाग्यश्री के बेटे हैं। एंड मैंने रिसेंटली इसकी एक मूवी देखी थी, मर्द को दर्द नहीं होता। पानी पीते रहना चाहिए। मूवी मुझे काफी अच्छी लगी थी, एंड उससे भी ज्यादा मूवी में मुझे इस बंदे का काम काफी अच्छा लगा। मतलब दर्द नहीं होता, बाकी सब होता। एंड अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार तो इस मूवी को चेकआउट जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी मूवीज काफी कम बनती है अपने बॉलीवुड में। खैर, ये तो काफी अलग टॉपिक ही हो जाएगा। सो इस टॉपिक को अपने किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो मैं कह रहा था कि बॉलीवुड में ऐसे काफी एक्टर्स हैं जिनके मॉम डैड सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वो टैलेंटेड भी हैं। तो अब आप बोलोगे कि उनका क्या जिनके माँ बाप सेलिब्रिटी नहीं है एंड वो चाहते हैं बॉलीवुड में सेलिब्रिटी हीरो बनना। देन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान में टैलेंट है एंड वो चाहता है एक्टर सेलिब्रिटी या हीरो या व्हाटएवर वो जो भी कुछ चाहता है बनना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आपको एक डायलॉग रिमेम्बर कराता हूँ। ये बबल्स देख रही हो, एक के बाद एक ऊपर आ रहे हैं। तो टैलेंटेड बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही ऊपर आते हैं अपने आप, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एंड हमारे पास ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जिनके पास पहले दूर दूर तक तो कोई भी कनेक्शंस नहीं थे बॉलीवुड से जुड़े, मगर आज देखो वही लोग बड़े बड़े स्टार्स को बीट कर रहे हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ जिनके पेरेंट्स एक्टर या डायरेक्टर्स थे, वो भी आज देखो कितनी धूम मचा रहे। सो एट द एंड मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बॉलीवुड में कॉन्टेक्ट है या नहीं, आपके माँ बाप एक्टर या डायरेक्टर है या नहीं, बिकॉज जनता की क्षमता है ममता भी देगी, और जनता नहीं है तो घंटा ही देगी। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक देना, शेयर करना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड हाँ घंटी भी दबा के जाना। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।